बिहार के महागठबंधन में घमासान तेज हो गया है। तेजस्वी यादव के इस्तीफे से इनकार के बाद से जेडीयू की बेचैनी बढ़ चुकी है। हालांकि अंदर खाने के बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, लेकिन जेडीयू अपनी भ्रष्टाचार विरोधी छवि के बहाने आरजेडी पर हावी हो गई है। हमने अपनी पार्टी की भावना व्यक्त कर दी है और हमारी पार्टी की साफ समझ है कि सीबीआई का केस हुआ है, बिंदुवार आरोप लगे हैं, बिंदुवार उसका जवाब जनता की अपेक्षा है। अपराध और भ्रष्टाचार में जो हमारी पूर्व की नीति है, उस नीति से न हिलेंगे न डिगेंगे। जेडीयू का कहना है कि बाहुबल नेता शहाबुद्दीन और राजवल्लभ के मामले में सरकार के रुख के लेकर सबने नीतीश कुमार की सराहना की थी। अब तेजस्वी यादव के मामले में नीतीश के फैसले को गलत कैसे ठहराया जा सकता है, इसलिए आरजेडी को तेजस्वी यादव के वक्त गवाए बगैर इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन आरजेडी अपनी बात पूरे तरीके से अड़ी हुई है। उसका कहना है कि नीतीश कुमार ये भली भांति जानते हैं कि साजिश आखिर किसकी है। आवाम फैसला करेगी, सड़क पे भी होंगे, यहाँ गठबंधन भी चलेगा मजबूती से, सड़क के सरोकार होंगे और हमारी विधायिका के। दरअसल आरजेडी अपनी लाज बचाने के लिए इस मौके को सियासी लड़ाई में बदलना चाहती है। वो जानती है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के आरोपों का इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए कर रहे हैं, वरना चुनाव से पहले उन्हें लालू यादव के दामन के दाग नजर क्यों नहीं आए। वहीं नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करते हुए अपनी भ्रष्टाचार विरोधी नायक की छवि बनाने के लिए कोई भी चौंकाने वाला कदम उठाने के लिए तैयार है। वहीं बीजेपी को लग रहा है कि दोनों की लड़ाई में गठबंधन टूटने पर नीतीश कुमार उनकी झोली में गिर सकते हैं, वरना गठबंधन में पलीता लगने से फायदा तो बीजेपी का ही है। समझा जा रहा है कि 17 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए मतदान तक जेडीयू मामले को गरमाए रखना चाहती है, उसके बाद नीतीश कुमार कोई फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।